हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है ना, और ये हम लोग एक ही लेक्चर में क्या करेंगे, इसे फिनिश कर देंगे, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो बहुत छोटे छोटे पार्ट बनेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक ही में ख़त्म कर देना। बहुत ज़्यादा टफ या फिर बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। ध्यान रखना है, इसके अंदर हमें जितने भी हेडिंग्स हैं उसकी सिर्फ हमको तीन चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केवल तीन चीजें है ना, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल यूज। उसके अलावा कुछ नहीं जाना, क्वेश्चन यहीं से उठ के आएगा, ठीक है? क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें यही तीन चीजें पढ़नी है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं पढ़नी है। डेफिनेशन ऑब्वियसली बात है, थोड़ा समझेंगे हम लोग डेफिनेशन क्या होता है। तो स्टार्टिंग में हम समझने की कोशिश करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ग्रीक में हार्मोन है ना, हार्मोइन होता है टू स्टीरअप। स्टीरअप मतलब जो हिला दे, है ना, पूरी तरीके से बॉडी को जो ग्रो अप करता है, हिला देता है, तो हार्मोन कहा जाता है। सब्सटेंस होता है, इज अ सब्सटेंस ऑफ इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इंटेंस बहुत ज्यादा, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। बॉडी में सबसे कम निकलता है, एक्टिविटी सबसे ज्यादा करता है ये, ठीक है ना। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक सेल्स इन द बॉडी, कुछ खास सेल्स के द्वारा बनाया पैदा होता है ये, एंड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सर्कुलेशन टू एक्ट ऑन द टारगेट सेल। फिर सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में छोड़ दिया जाता है इसको, और वो टारगेट सेल तक पहुंचता है, फिर टारगेट सेल के ऊपर ही अपना काम करता है और असर दिखाता है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं हार्मोन्स के बारे में, कुछ ज्यादा खास नहीं है। हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी फंक्शंस टू ब्रिंग अबाउट अ प्रोग्राम्ड पैटर्न ऑफ लाइफ इवेंट। वो क्या करता है, हार्मोन रेगुलेट करता है बॉडी के फंक्शंस को, ठीक है, जिससे कि लेके आ सके प्रोग्राम पैटर्न ऑफ लाइफ इवेंट, लाइफ के इवेंट के प्रोग्राम पैटर्न। ग्रोथ कैसे होनी है, ठीक है, कलर क्या होगा, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स कैसे ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, एक एम्ब्रियो कैसे ग्रो करेगा, और तमाम चीजें सब होती है इसके अंदर। क्या क्या चीजें आ गई, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एजिंग, बुढ़ापा कैसे आएगा, एटसेट्रा, एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। उम्मीद करता हूं होम्योस्टेसिस वर्ड अब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना, बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन रखना। हमारा इंटरनल एनवायरमेंट, टेम्परेचर कितना, 37 हो, हमेशा 37 रहता है, ना गिरता है ना बढ़ता है। पीएच कितना, 7.4 के आसपास, उतना ही रहता है, ना गिरता है ना बढ़ता है। नो डाउट, अलग अलग जगह से पेट का अलग हो जाता है, जहां पे जितना है उसका उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होता है, ठीक है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड, हम सबको पता है। और कुछ खास खास यहां पे मैंने बॉडी फंक्शंस और मेजर हार्मोन्स, वो जो हार्मोन्स और क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में यहां मैंने मेंशन किया हुआ है। जरूरी नहीं है याद करना, जस्ट फॉर रिवीजन की, हाँ याद आ जाए। इंसुलिन है ना, ग्लूकागन, ग्रोथ हार्मोन, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल मतलब ग्लूकोज की बर्निंग में हेल्प करते हैं, ग्लूकोज को जला करके एटीपी, मतलब एक तरह से ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। ट्राईहाइड्रोथायरोनिन, थायरोक्सिन, ये थायरॉयड हार्मोन हो गए, मेटाबॉलिक, पूरा जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर उसमें थायरॉयड हार्मोन का सबसे बड़ा रोल रहता है। ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, सोमेटिक ग्रोथ, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है, सेक्स और रिप्रोडक्शन को लेकर के सारे काम करते हैं। तो ये याद रखो ना रखो, जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिवीजन के लिए मैंने ये बता दिया कि कौन सा क्या कर रहा है। अब हमको क्या समझना है, ये तो था रिवीजन कि हार्मोन्स हमने पहले क्या पढ़ रखा है, वही सारी चीजें हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है ये, तीन चीजें समझते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल, इसकी डेफिनेशन क्या है, रोल प्ले इन बॉडी, बॉडी में उसका क्या रोल है, ठीक है। पैथोलॉजिकल रोल, डिजीज या इफेक्ट्स ऑन बॉडी इफ बेसिक रेगुलेशन डिस्टर्ब, अगर जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, बन रहे हैं, उनका बेसिक रेगुलेशन कम ज्यादा हो गए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, दैट इज पैथोलॉजिकल रोल। क्लिनिकल यूज मीन्स एनी यूज ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का कोई भी इस्तेमाल, एज ए पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन, रोकने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, या ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज और कंडीशन, किसी डिजीज और कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो यही तीन चीजें हमको पढ़नी है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल यूज। क्लियर होगी बातें, क्यों मैं यहां पर स्पेसिफिकली यहां पर तीन चीजों को डिफाइन किया है कि हम लोग स्पेसिफिक रहें, बॉडी में क्या काम है, अगर उनका बैलेंस बिगड़ गया तो बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, और अगर हमको कोई बीमारी हो गई है तो किन किन बीमारियों में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक करने के लिए। दैट्स इट, हो गया आसान, चलें आते हैं, ठीक है। पहला है थायराइड हार्मोन। अब थायराइड को तो हम लोगों ने फार्माकोथेरेपेटिक्स में भी अच्छे से पढ़ रखा है, अपना हर जगह पढ़ रखा है, अच्छे से जानते हैं। तो थायराइड हार्मोन आर एनी हार्मोन प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा कोई भी हार्मोन जो निकाला जाता है उसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, नेमली ट्राईहाइड्रोथायरोनिन और थायरोक्सिन। बहुत अच्छे से वाकिफ है हम लोग इनसे।
दे आर टायरोसिन बेस्ड हार्मोन, टायरोसिन बेस्ड जो अपना अमीनो एसिड होता है उसके बेस उसके ऊपर उससे बना हुआ हार्मोन होता है, दैट आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। जितना भी प्रकार का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर उसके ऊपर उसको ये कंट्रोल करते हैं। T3 एंड T4 आर पार्शली कंपोज्ड ऑफ आयोडीन, जो दो हार्मोन रिलीज होते हैं ट्राई आयोडो और टेट्रा आयोडो। इसके अंदर आयोडो जो वर्ड है ठीक है ना, आयोडो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आयोडीन भी होता है। तो डेफिनेशन से कुछ बातें क्लियर होती है, यहां से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पूछ सकता है कि होता है थायराइड हार्मोन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन कॉपर आयोडीन इस टाइप से पूछ सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोडीन पाया जाता है थोड़ा सा ठीक है। फिजियोलॉजिकल रोल, अब फिजियोलॉजिकल रोल बेटा देखो मैं बता रहा हूं यहां पे बहुत सारे लिखे हुए, मैंने कोई भी चार पांच भी याद कर सकते हो, जैसे मान लो तीन नंबर का क्वेश्चन है तो पांच छह फिजियोलॉजिकल रोल बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। तो पहला इफेक्ट क्या है, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, बहुत सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जीन्स से एंजाइम या प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ये ठीक है। कह रहा है सिंथेसिस ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ प्रोटीन एंजाइम ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी कि ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब भी क्या होता है, जीन की हेल्प से, यानी कि जीन कहां पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, वहां से हमको बनाना क्या है यहां पर प्रोटीन बनाने हैं, क्या बनाने हैं प्रोटीन। T4 10% इज कन्वर्टेड इन T3 90%, T3 बॉडी में 90% होता है, T4 होता है उसमें टोटल T4 का 10% कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, T3 में, ये 10% होता है 90% पाया जाता है। T4 T3 रिसेप्टर्स जो इन हार्मोन्स को रिसीव करेंगे आर आइदर अटैच्ड टू द डीएनए, या तो डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं जो जेनेटिक स्टैंड होती है, डीएनए को भी बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, जानते हो कि नहीं जानते हो, डीएनए वेस्टर्न ग्रीक मॉडल सब समझते हैं हम लोग ठीक है ना, डीएनए जेनेटिक स्ट्रैंड्स और लोकेटेड इन प्रॉक्सिमिटी टू देम, या तो वो डीएनए के ऊपरी कहीं ना कहीं उसके रिसेप्टर लगे होते हैं, T3 आएगा और जैसे ही आएगा ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, या उसके आसपास कहीं रिसेप्टर होते हैं जो फिर इनको आदेश दे देंगे भैया चलो फटाफट प्रोटीन बनाना स्टार्ट करो ठीक है। रिसेप्टर्स बिकम एक्टिवेटेड, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या बनते हैं हमारे बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं। तो पहला फंक्शन ये सब याद ना रखते हुए क्या याद रख सकते हो, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन या दे प्ले अ रोल इन ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन बातें क्लियर हो जाती है। सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिक का मतलब दोनों बात आ जाती है इसके अंदर, कौन कौन आ जाएगा एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दोनों चीजें आ जाती है, तो दोनों चीजें परफॉर्म करता है ये ठीक है। अब देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म 60-100%, यानी कि हर एक सेल या टिश्यू के अंदर लगभग जो ये थायराइड हार्मोन है बेसल मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड्स फॉर एनर्जी, फूड का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तो फूड का मतलब जो यूटिलाइजेशन होगा एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज ग्रोथ रेट, इंक्रीज मेंटल प्रोसेस, दिमाग तेजी से काम करने लगता है। इंक्रीज साइज नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, सेल के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है एक तरह से, है ना, सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके अंदर ये सारे काम सेल के अंदर बढ़ जाते हैं। इंक्रीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार आयंस का ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। अब ये बातें सब देखो बेटा, अब आयंस का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये बातें पुरानी हो गई हैं ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस खूब पढ़ा हम लोगों ने, जनरल फार्माकोलॉजिकल में बहुत समझा हम लोगों ने ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम ATPase जो चैनल होते हैं ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट सेल्स टू बिकम लीकी टू सोडियम प्लस, ठीक है ना, होता क्या है जो मेम्ब्रेन होती है सोडियम प्लस के लिए लीकी हो जाता है, मत याद करो इसको, छोड़ दो, सीधा याद रखो आयंस का मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आर पार। इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के ऊपर क्या असर है इसका, जनरल एंड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन ग्रोथ, ठीक है ना, जनरल और स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मेटामॉर्फिक चेंजेस ऑफ टैडपोल इनटू फ्रॉग, जैसे कि जो टैडपोल होता है देखा होगा मेंढक का बच्चा मछली जैसा लगता है फिर बाद में मेंढक बन जाता है ना, उसकी पूंछ कट जाती है, तो ये सारा थायराइड हार्मोन की वजह से होता है। मैनिफेस्ट मेनली इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, मैनिफेस्ट मतलब ये अपने असर दिखाता है जनरली ग्रोइंग चिल्ड्रन के ऊपर, ग्रोथ की जब बात करेंगे, जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो बढ़ता हुआ बच्चा होता है उसके अंदर जो बढ़वार हो रही है बच्चे की मेनली क्या हो रहा है थायराइड हार्मोन की वजह से हो रही है। हाइपोथायराइड हो जाएगा तो ग्रोथ ग्रेटली रिटार्ड, ग्रोथ रुक जाएगी। हाइपरथायराइड हो जाएगा तो चाइल्ड टॉलर एट एन अर्लियर एज, चाइल्ड छोटी उम्र में ही काफी लंबा हो जाएगा अगर ये हाइपरथायराइड हो गया, ज्यादा बढ़ गया। प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। फिटल लाइफ एंड फॉर द
फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द पोस्टनेटल लाइफ, शुरुआत के दिनों में ब्रेन के ग्रोथ में इसका बड़ा रोल होता है, फीटल लाइफ जब बच्चा पेट में होता है, और पोस्टनेटल जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो स्टार्टिंग के एक दो साल तक ये जो है बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है मेंटल रिटार्डेशन। तो ये सारे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं बेटा, जितना याद कर पाओ उतना बेटर। इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन स्पेसिफिक बॉडीली मैकेनिज्म, कुछ खास खास मैकेनिज्म देखें, जैसे कि इंक्रीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सीधा याद रख लोगे, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे रहा है। इंक्रीज ऑल एस्पेक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे रहा है। डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है उनके ऊपर असर डाल रहा है। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट 60 से 100% बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दे रहा है। एक पॉइंट हम ऊपर कर चुके हैं और देख लें इसमें। डिक्रीज बॉडी वेट, जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो बॉडी वेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज द ब्लड फ्लो एंड CO, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो और कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है उसके फ्लो को बढ़ा देता है ये, ठीक है। देन इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं उसकी डेप्थ को भी बहुत लंबी लंबी सांस लेने में हेल्प करता है ये। तो बहुत सारी जगहों पर काम करता है ये। इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, तो मेन मेन जो है इसके अंदर 7-8 पॉइंट बना करके 10 पॉइंट तक याद कर लोगे। इफेक्ट ऑन सेक्सुअल फंक्शन इन मैन, मैन के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर कमी हो जाए इंसान के अंदर तो लिबिडो, तो उसका क्या होगा, सेक्स के प्रति इच्छा खत्म हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगा ना, इंपोर्टेंस आ जाएगी, यानी कि वो नपुंसक हो जाएगा, ठीक है ना, स्पर्म वगैरह बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है। इन वुमेन, वुमेन में अगर लैक हो गया तो मेनोरेजिया एंड पॉलीमेनोरिया, ठीक है ना। मेनोरेजिया क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का होना, पॉलीमेनोरिया क्या होता है, कम टाइम पे जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो जाना। डिक्रीज लिबिडो, यहां पे लिबिडो की कमी हो जाएगी। इवन एमनेरिया एक्सेस में ओलिगोमेनेरिया, ठीक है ना, एमनेरिया हो जाएगा, नहीं होगा, या ओलिगो एक तरह से ना ब्रेकिंग में रहेगा, कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से फीमेल्स के अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर ये हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल रोल करता है। तो 5 पक्का याद करें कम से कम, ठीक है ना, क्योंकि जनरल क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, तो कम से कम 6 तो देने हैं, तो 6 पक्का याद करें। फिजियोलॉजिकल रोल हो गया। अब थायराइड इफेक्ट को मैंने एक जनरल दे दिया जिससे कि याद कर सको तुम लोग। प्रोटीन सिंथेसिस आ गया, ठीक है। इंक्रीज बीटा 1, हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, न्यूरोजेनेसिस, मेलाटोनिन, तो ठीक है ना, यहाँ पर एक प्रॉपर वो दे रखा है। जीआई मोटिलिटी, जीआई सिक्रेशन, बॉडी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा है, बॉडी की हीट इंक्रीज हो रही है, हेयर ग्रोथ, हेयर नेल, तो ये थोड़ा सा अलग आ गया। तो इस तरह से मिला जुला करके अपना कुछ याद कर लोगे, ठीक है। पैथोलॉजिकल रोल की बात करें तो बेटा पैथोलॉजिकल रोल हम लोग 2 पढ़ चुके हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स में कहीं ना कहीं, और वो क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। अब उसके कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म हैपन व्हेन द थायराइड ग्लैंड मेक टू मच थायराइड, जब बहुत ज्यादा थायराइड होता है तो उसे हाइपर कहते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन आल्सो कॉल्ड ओवर एक्टिव थायराइड, इसको हम लोग ओवर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म स्पीड्स अप द बॉडीज मेटाबॉलिज्म, क्या करेगा ये, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा तेज कर देगा। कॉज की बात करें तो ग्रेव्स डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जानते हैं हम लोग इस बात को। थायराइड नोड्यूल, अच्छा जो मैं छुड़वा दे रहा हूं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, पढ़ देता हूं पूरा मैं, वरना उन लोग कहोगे सर पूरा रीड नहीं किया। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक है या पीछे कहीं ना कहीं, तो मैं उम्मीद करता हूं चीजें याद होंगी। ऑटो इम्यून क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे किसी बॉडी के ऑर्गेनिक सेल्स को खाना शुरू कर देता है, ठीक है। इन विच योर इम्यून सिस्टम अटैक योर थायराइड एंड कॉजेज इट मेक टू मच हार्मोन, और उसको इस कदर क्षति पहुंचा देता है कि वो बहुत ज्यादा हार्मोन पैदा करना शुरू कर देता है। थायराइड नोड्यूल विच आर ग्रोथ ऑन योर थायराइड, या तो फिर थायराइड नोड्यूल बन जाएंगे, ठीक है, नोड्यूल गांठे टाइप की रहती है। थायराइड आइटिस, उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड हो जाएगा, ठीक है। टू मच आयोडीन, बहुत ज्यादा आयोडीन हो गई तो बढ़ जाएगा ये। टू मच थायराइड मेडिसिन, बहुत ज्यादा थायराइड की मेडिसिन ले ली है तो तुम्हारी बॉडी में थायराइड हार्मोन इंक्रीज कर जाएगा। नाउ इफेक्ट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, अब हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो क्या क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको डिप्रेशन हो सकता है, इंसोम्निया हो जाएगा, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइनेस, कॉर्नियल इरोजन, आंखें कॉर्निया होती है वो इरोड होना, घिसना शुरू हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन डिक्रीज, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। थर्स्ट, कॉपियस यूरिनेशन, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, हार्ट रिदम डिसऑर्डर, ट्रैकाकार्डिया यानी कि बढ़ जाएगा, थर्स्ट बढ़ेगी, कॉपियस यूरिनेशन हो जाएगा, ठीक है, पेशाब से संबंधित बीमारी,
इंक्रीज एपेटाइट, भूख बहुत ज्यादा लगने लगेगी। तो ये तमाम जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन इसके साथ क्या होता है, कह सकते हैं सिम्टम्स भी है कहीं ना कहीं, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन तो मेन क्या हो जाएगी, हार्मोन्स का बढ़ना बहुत ज्यादा हो गया ये, ठीक है, ये सारे उसके असर आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म हैपेंस व्हेन द थायराइड ग्लैंड डज नॉट मेक इनफ थायराइड हार्मोन, जब बहुत ज्यादा हार्मोन नहीं बनेगा तो हाइपो हो जाता है। दिस कंडीशन आल्सो कॉल्ड अंडर एक्टिव थायराइड। क्या क्या कंडीशन आएगी, पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, पुअर हियरिंग, सुनना नहीं आएगा, हॉर्सनेस, आवाज भारी घोड़े जैसी हो जाएगी, स्लो पल्स, हार्ट धीमा पड़ जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है ना, जो हार्ट की प्रॉब्लम है पेरिकार्डियल, जो हार्ट के ऊपर का जो लेयर होती है, ठीक है ना, इफ्यूजन, उसमें एक भराव टाइप का। देन डिलेड रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन, ठीक है ना, मस्क्यूलर में रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन, जो रिलैक्स होना है मसल को वो डिले कर जाएंगी, ठीक है। ठंडापन, कार्पल टनल सिंड्रोम, जो हाथों में झंझनाहट वगैरह रहती है, ठीक है, थकान लगेगी, वेट गेन होने लगेगा, हेयर लॉस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं आएगी, ठीक है ना, मिक्सिडेमा, ये स्किन इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन कॉन्स्टिपेशन, तो तमाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनरोजिया हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, किससे, हाइपोथायरॉइडिज्म से। तो कहीं ना कहीं हमारे पैथोलॉजिकल रोल, क्या क्या बीमारियां पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कई सारी बीमारियां होती हैं, कई बार यही वजह होती है कि ये देख रहे हो कितनी सारी चीजें, हमें एक बीमारी हो रही है, ठीक है, हम समझ ही नहीं पा रहे, हम सोच रहे स्किन की प्रॉब्लम है, होती थायराइड की वजह से है, इस तरह से चीजें जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। खैर आगे आते हैं, क्लिनिकल यूज क्या है इसका, ऑब्वियसली बात है थायराइड का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, जब हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, क्रिटिनिज्म होगा, नोटॉक्सिक गोइटर हो गया, हाइपोथायरॉइड कोमा हो गया, थायराइड कैंसर हो गया, यानी कि वो सारी कंडीशन कहीं ना कहीं घूम फिर के यहां पर क्या है, हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या है, इफेक्ट हो रहा है, और क्या हो गया है, थायराइड की बॉडी में कमी हो रही है, तो उस जगह पे हम लोग इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम वो क्लिनिकल कंडीशन है जहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो क्या है हमारे पास, एंटी थायराइड ड्रग। बेटा ये एंटी थायराइड ड्रग है, हमारी बॉडी में तो बनते नहीं है, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा इसका, इसका मेन काम क्या है, एंटी थायराइड है, तो थायराइड के काम को रोकेंगे। तो अगर इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन पूछ लिया जाएगा तो सीधा सीधा क्या है, जो थायराइड काम करते हैं वो काम के अपोजिट काम बता दोगे, बात समझ में आ रही है। तो सीधा डेफिनेशन क्या आ जाएगा, दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट, बॉडी में तो बन नहीं रहे, तो देखा जाए एक तरह का हमारी बॉडी पे इसका डायरेक्ट मतलब अंदर से तो कोई इफेक्ट है नहीं, खाने के बाद हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, जितना भी थायराइड के फंक्शन थे उसके उल्टे वाले असर पड़ जाएंगे, ठीक है ना, मेंशन नहीं किया इसलिए मैंने यहां पर। दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट विच आर यूज टू लोअर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। जो हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, तो हम कह सकते हैं जो हाइपर एक्टिविटी की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दीज आर एजेंट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, इट इज द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यू टू डिसऑर्डर्स। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस जिसके अंदर थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है, कौन कौन सी कंडीशन है, ग्रेव्स डिजीज है और टॉक्सिक नोडुलर गोइटर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग करते अगर हम लोग, तो इसमें क्या है, इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस को रोक देगा, इनहिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, जो इसके अंदर आयोडीन ट्रैप होती है, स्टार्टिंग मैंने बताया था इसके अंदर हल्की सी आयोडीन होती है, ट्राईआयोडो टेट्राआयोडो है ना, वो ट्रैपिंग इसकी बंद हो जाती है तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। इनहिबिट हार्मोन रिलीज, हार्मोन के रिलीज को रोकेंगे, या डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, या थायराइड के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो तीन चार कैटेगरी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, और ये उनके आगे क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मेन पता होना चाहिए एंटी थायराइड ड्रग्स होते क्या हैं और किन किन कैटेगरी में आते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल और क्लिनिकल यूज, ठीक है ना। तो क्लिनिकल यूज और फिजियोलॉजिकल रोल हमारा हाइपर एक्टिव थायराइड से ही हम लोग वहां से पकड़ करके लिख देंगे, तो वही चीज लिखेंगे जो वहां पर है, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल में उसका उल्टा हो जाएगा, और हाइपर थायराइड्स को रोकने के लिए कर रहे हैं तो वो इसका क्या हो गया, क्लिनिकल यूज, जो एक ही उसमें कवर अप हो जाएगा। क्लियर है बातें, ओके, ठीक है। तीसरा आ गया अपना ये पैराथार्मोन, क्या होता है पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना उसके पीछे की तरफ चार वो रहते हैं, देखोगे तुम लोग डायग्राम के अंदर, यहाँ पे डायग्राम शायद आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया है। तो पैरा, पैरा मतलब होता है साइड वाला, तो थायराइड हार्मोन के बगल में कुछ सेल्स से रहते हैं जो कि पैराथार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो पैराथायरॉयड हार्मोन इसको पीटीएच भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड पैराथार्मोन, और पैराथायरिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ रहती है, थायराइड के बगल में रहती है पीछे, मतलब अगर ऐसे निकाल दोगे थायराइड ग्लैंड तो इधर पीछे की तरफ दिखाई पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है ना। दैट रेगुलेट द
सीरम कैल्शियम, ये हम याद रखेंगे। इसका मेन काम क्या है, कैल्शियम लेवल को, सीरम का कैल्शियम या कह लो कि ब्लड कैल्शियम, सीरम कैल्शियम मतलब हो गया हमारे पास ब्लड कैल्शियम हो गया, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे कि ब्लड होता है तो हाँ, सीरम कहां पाया जाता है, ब्लड में होता है। तो सीरम कैल्शियम ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन बोन किडनी एंड इंटेस्टाइन, तीन जगह काम करता है, बोन पर किडनी पर इंटेस्टाइन पर, उन तीनों पे काम करके ये ब्लड में जो हमारा कैल्शियम है या सीरम में जो हमारा कैल्शियम है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है देखेंगे अभी। देखो एज अ रूल इफ द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज लो, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो गया है, द पैराथायरॉयड ग्लैंड सेंस दिस एंड रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड इसको सेंस कर लेती है, भाप लेती है और हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। पैराथायरॉयड हार्मोन देन कॉजेस रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, अब क्या होगा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो बोन के अंदर से कैल्शियम को निकालना शुरू करेगी, ठीक है। बोन के अंदर से जो कैल्शियम, भाई बोन क्या है, कैल्शियम का स्टोरेज होता है, उसके अंदर सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, तोड़ेंगे बोन सेल्स को, उसके अंदर कैल्शियम निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो फिर कहां, खून में आ जाएगा। इंक्रीज विटामिन डी प्रोडक्शन फ्रॉम द किडनी, किडनी से क्या करेगा, विटामिन डी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, विच अल्टीमेटली इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जैसी विटामिन डी बढ़ेगा वैसी क्या होगा, विटामिन डी हेल्प करता है इंटेस्टाइन से क्या एब्जॉर्ब करने में, कैल्शियम को, कौन सा कैल्शियम, जो हम खाने में खा रहे हैं, तो विटामिन डी करे क्या करेगा, जितना भी कैल्शियम खाया हमने सब खींच लेगा ब्लड के अंदर, ठीक है ना। इफ द कैल्शियम लेवल इज टू हाई, अगर बहुत हाई हो जाएगा, देन पैराथायरॉयड सिक्रेशन शुड बी डिक्रीज टू वेरी लो लेवल, तो ये सेंस कर लेगा अच्छा कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा है तो अपने आप को बहुत कम कर लेगा कि अब हमें कैल्शियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही यहां पे समझा रखा है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, वो तोड़ेंगे ऑस्टियोब्लास्ट को, यहां से क्या होगा, ऑस्टियोलाइट टूटेगा और कैल्शियम निकल के बाहर आ जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। किडनी में क्या होगा, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी का एक्टिव वाला दे रखा है जो पार्ट होता है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर पार्ट करेगा इंटेस्टाइन के ऊपर, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन बच जाएगा, तो इस तरीके से सीरम का कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा। तो बोन किडनी और इंटेस्टाइन तीनों कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं सीरम के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने में। किडनी क्या बनाएगी, विटामिन डी, विटामिन डी हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में इंटेस्टाइन से, क्लियर है, ओके। फिजियोलॉजिकल रोल बात समझ में आ गई, किस तरह इसकी फिजियोलॉजी है, क्या हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली किस तरह काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैथोलॉजिकल रोल मतलब अगर गड़बड़ हो गई इसके अंदर, तो पैराथायरॉयड डिसऑर्डर लीड टू एबनॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, ऑब्वियस ही बात है अगर ये गड़बड़ हो गया है तो कैल्शियम लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। डेट कैन कॉज ब्रिटल बोन, अब बहुत ज्यादा अगर कैल्शियम खींच लेगा, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया सपोज, और बहुत ज्यादा कैल्शियम बोन से खींच लेगा तो बोन्स क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगी, किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है, थकान आना शुरू हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी एंड अदर प्रॉब्लम्स, कुछ और प्रॉब्लम जुड़ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आर मेनली रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ टू लिटल कैल्शियम इन योर बोन्स, ठीक है ना। क्या कॉम्प्लिकेशन है हाइपरथायरॉयडिज्म का लॉन्ग टर्म इफेक्ट में, कि तुम्हारे बोन में बहुत कम कैल्शियम रह जाएगी एंड टू मच कैल्शियम इन योर ब्लड स्ट्रीम, और तुम्हारे खून में बहुत ज्यादा कैल्शियम आ जाएगा। कॉमन कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, जो हड्डियां हमारी वो छेदेदार हो जाएंगे, बड़े बड़े छेद नहीं होते, पोरस हो जाती है, एक्चुअली पोरस समझते हो जैसे स्पंज होता है, तो बहुत कमजोर हो जाती है, पोरस टाइप की हो जाती है। द लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स एंड ऑफन बोन्स ऑफन रिजल्ट इन वीक ब्रिटल बोन्स दैट ब्रेक इजिली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल जाएगा बोन के अंदर से तो कमजोर पड़ जाती है, ब्रिटल हो जाती है, है ना, हल्का सा मारेंगे, या कई बार देखा होगा तुम लोगों ने कुछ लोग गिरते हैं चारपाई से पैर टूट गया तो उनकी बोन्स बहुत कमजोर होती है, ब्रिटल, ठीक है, ब्रेक हो जाती है टोटली इजिली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। द लो प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म लीड टू, अब क्या कह रहा है, लो प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब क्या होगा, कमी होगी, जब कमी हो जाएगी एबनॉर्मली लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड एन इंक्रीज ऑफ फॉस्फोरस इन द ब्लड, कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा ब्लड के अंदर लेकिन फॉस्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ओके ठीक है, तो यहां पर क्या है, कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और सॉरी डिक्रीज कर जाएगा, फॉस्फोरस लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ये यहां पर इसका छोटा सा पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, इंक्रीज कार्डियक, ओके पैथोलॉजिकल, ठीक है, चलो यहां देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई या रिड्यूस किडनी फंक्शन हो गया तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब ये इंक्रीज करेगा तो इंफ्लामेशन और पैराथायरॉयड जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है,
इंफ्लामेशन, आर्टेरियल स्टिफनेस, जो हमारी आर्टरीज हैं वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि अब यहां से कंडीशन समझो पैराथायराइड हार्मोन का, जिसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर डिजीज को जन्म दे रहा है। किसको जन्म दे रहा है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज को, ठीक है ना। हाइपरटेंशन, कार्डियक रीमॉडलिंग, डिक्रीज कार्डियक फंक्शन, कार्डियक बायोमार्कर, कार्डियक फंक्शन क्या कर जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। हाइपरटेंशन इसकी वजह से होगा, हाइपरट्रॉफी हो सकती है ना, सेल्स का ब्रेक होना। ग्लूकोज स्टेटस की बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, बीटा सेल डिसफंक्शन, बीटा सेल डिसफंक्शन हो जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा, टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। ये सब मिलके भी फिर अच्छा ओवरऑल क्या करेंगे? आर्टरियल स्टिफनेस, ब्लड वेसल डैमेज और एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से पैथोलॉजिकल रोल कि अगर ये गड़बड़ होता है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या क्या कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पे इसका ओवरऑल रिजल्ट ये है, सीधा इतना ज्यादा ना, सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्रिएट हो जाती है। इतना भी लाइन लिखोगे तब भी काम चलेगा, ठीक है ना। उसमें हाइपरटेंशन आ जाएगा, आर्टरियल स्टिफनेस आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है ना, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज इंक्रीज कर जाएगी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर है बातें? अब क्लिनिकल यूज, क्लिनिकल यूज ऑफ पैराथार्मोन क्या है? पैराथायराइड हार्मोन इंजेक्शन इज यूज टूगेदर विद कैल्शियम एंड विटामिन डी टू कंट्रोल हाइपोकैलेमिया, यानी कि लो कैल्शियम लेवल। ऑब्वियस ही बात है ना, इसका काम मेन क्या था? कैल्शियम लेवल को अप करना हमारे ब्लड के अंदर। तो अगर ये क्या हो गया है, कमी हो जाएगी, भाई इसको देने का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर कमी हो रखी है तभी तो हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो लो कैल्शियम लेवल में इसका इस्तेमाल करेंगे इन पेशेंट विद हाइपो पैरा थायरॉइडिज्म। ऑब्वियस ही बात है, किसी भी हार्मोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस कंडीशन में करेंगे? जब उसका लेवल हमारी बॉडी में लो हो गया है। क्लियर है? नाउ हाइपो पैरा थायरॉइडिज्म इज अ कंडीशन दैट इज कॉज्ड व्हेन द पैरा थायरॉइड ग्लैंड इन द नेक डज नॉट मेक इनफ पैरा थायरॉइड हार्मोन। कब क्रिएट होती है हाइपो पैरा थायरॉइडिज्म कंडीशन? जब हमारे गर्दन में मौजूद जो पैरा थायरॉइड ग्लैंड है वो पर्याप्त मात्रा में पैरा थायरॉइड हार्मोन नहीं बना पाती है। तो सिंपल है चीजें, मेन मेन डिजीज याद करनी है इसमें। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि 11 चैप्टर में करना क्या, पढ़ना क्या है। मैं तो एक ही लेक्चर में इसको बेटा खत्म कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग एक ही लेक्चर मत करना। हाँ पढ़ लेना बेशक एक बार को पूरा सुन लेना, लेकिन फिर अपने इसमें से मेन मेन चीजें अपने नोट डाउन करके अलग निकालनी है तुमको। बात समझ में आ रही है? फिर आता अगला कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या? हार्मोन फॉर्म्ड बाय सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में एक सी सेल्स पाए जाते हैं, सी शेप के रहते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? कैल्सिटोनिन, ठीक है। इट हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है। व्हेन द कैल्शियम लेवल इज टू हाई कैल्सिटोनिन लोअर्स इट। तो देखो जा रहा है यहां पे, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा था, कैल्सिटोनिन उसका उल्टा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैल्शियम लेवल को लो करता है ब्लड के अंदर, या हम यूं कह लें कैल्सिटोनिन इज ए 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, थायराइड के, जिसको हम सी सेल्स भी कहते हैं, उनके द्वारा कैल्सिटोनिन क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। इसका मेन काम क्या है? ब्लड के अंदर बढ़े हुए कैल्शियम लेवल को लो करना। अब मान लो भैया कैल्शियम बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, पैराथायराइड हार्मोन तो अपना कम हो गया कि हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ब्लड कैल्शियम को लो भी तो करना है। वो करने के लिए कौन आएगा? कैल्सिटोनिन आ जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रोल देख लें इसका हम लोग। कैल्सिटोनिन मेन जॉब इज टू लोअर कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। हमारे ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको क्या करना है? कम करना है, ना कि बोन का, नॉट योर बोन्स। बोन्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो ब्लड के कैल्शियम लेवल कम करेगा। इट डज दिस इन टू मेन वेज, दो तरीके से करता है। कैल्सिटोनिन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। बोन के अंदर जो ऑस्टियोक्लास्ट, यानी कि बोन से क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट टूटते रहते हैं और वहां से कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में आता रहता है, तो वो बोन के अंदर जो सेल टूटना बंद करवा देगा जहां से कैल्शियम निकल के खून के अंदर आ रहा था। तो वो सेल्स कौन से होते हैं? तोड़ने का काम कौन करता है? ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। ऑस्टियोक्लास्ट पढ़ा है हम लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो बोन की सेल्स को तोड़ने का काम करता है। द कैल्शियम फ्रॉम योर बोन इज रिलीज इन टू योर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, उसको रोक देगा ये। देयरफॉर द टेम्पररी ब्लॉकिंग ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट बाय कैल्सिटोनिन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट एंटर योर ब्लड। तो इसीलिए क्या टेम्पररी ब्लॉकिंग हो जाती है कुछ टाइम के लिए, कि रोक देगा जैसे कि ब्लड का लेवल, कैल्शियम लेवल क्या आ जाए? नॉर्मल आ जाए। जैसे ही नॉर्मल आ जाएगा तो फिर से अपना काम करना, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम करना फिर से शुरू कर देगा। कैल्सिटोनिन कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एट दैट योर किडनी रीअब्सॉर्ब एंड रिलीज बैक इन टू योर ब्लड स्ट्रीम। जब यूरिन बनता है
और कैल्शियम फिल्टर हो जाता है और यूरिन से बाहर निकलना चाहिए उसे। तो अब ब्लड के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैल्शियम है, तो अब किडनी को ऐसा करवा देगा कैल्शियम कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कहेगा भैया कैल्शियम को बाहर निकलने दो, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम है। ठीक है, पैथोलॉजिकल रोल, हैविंग अ हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन डज नॉट सीम्स टू नेगेटिवली अफेक्ट योर बॉडी और कॉज सिम्टम। कैल्सिटोनिन के बढ़ जाने से या घट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता हमको। ठीक है ना, कोई विशेष कि कोई बीमारी पैदा हो जाए ऐसा नहीं होता है। नाउ हाउएवर, हालांकि हैविंग हाई लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का बढ़े मतलब कैल्सिटोनिन का बढ़ जाने की वजह से कोई हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कैल्शियम लेवल कैल्सिटोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये दो चीजें दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि आपको मेडुलरी थायराइड कैंसर है, कैंसर है आपको, कैल्सिटोनिन बढ़ा हुआ है उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन कैल्सिटोनिन क्यों बढ़ा हुआ है वो ये दिखाता है कि आपको कैंसर है। थायराइड वाला बहुत रेयर होता है, या सी सेल का हाइपरप्लेजिया है ना, उसके जो सेल हाइपरप्लेजिया समझते कुछ चीज बढ़ गई है, इनलार्ज हो गई है। देयर डज नॉट सीम बी एनी इफेक्ट ऑन योर बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू लिटल कैल्सिटोनिन। अगर कैल्सिटोनिन बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, कैल्सिटोनिन के बहुत कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैल्सिटोनिन का बहुत ज्यादा होना ये दो बीमारियां दर्शाता है। पीपल हु हैव हैड देयर थायराइड ग्लैंड रिमूव्ड एंड हैव अनडिटेक्टेबल लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन हैव नो नेगेटिव साइंस और सिम्टम्स रिलेटेड टू ब्लड कैल्शियम लेवल। तो बता रहा है कि जिन लोगों का थायराइड ग्लैंड निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो उनकी बॉडी में कैल्सिटोनिन होता ही नहीं है, तब भी उनका कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहता है। ठीक है, पीपल हु हैव हैड देयर थायराइड रिमूव्ड डू हाउएवर यूजुअली नीड टू टेक अ लाइफ लॉन्ग सिंथेटिक फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। अब वो बता रहा है कि अच्छा, फिर यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है, अच्छा थायराइड निकाल दिया, थायराइड हार्मोन कहां से आएगा? तो कह रहे जिनका थायराइड निकल जाता है उनको सिंथेटिक हार्मोन, थायराइड हार्मोन है ना, थायरोक्सिन की टैबलेट्स आती हैं वो खानी पड़ती हैं टू मेंटेन हार्मोन योर बॉडी, लेकिन कैल्सिटोनिन का कोई भी लेना देना नहीं, कैल्सिटोनिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कम ज्यादा होने से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, क्लिनिकल यूज, कैल्सिटोनिन इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट पैगेट्स डिजीज ऑफ बोन्स, बोन की बीमारी होती है पैगेट डिजीज, ठीक है ना, उसको ठीक करने के लिए। इट मे ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट बोन लॉस इन वुमेन, वुमेन में बोन लॉस को भी ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल को रोक देता है बोन सेल्स को तोड़ने से ना, तो कहीं ना कहीं ये बोन को मजबूत करने में काम करेगा कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो सेल्स बोन सेल्स को तोड़ते हैं उनको रोक देता है। ठीक है, तो वुमेन विद पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, ज्यादातर मेनोपॉज होने के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसमें कैल्सिटोनिन काम करता है। एंड टू ट्रीट हाइपरकैल्सीमिया, टू मच कैल्शियम इन द ब्लड, और अगर ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया, ऑब्वियसली बात है ब्लड कैल्शियम को लो कर रहा था ये, तो भी फिर क्या हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, रिलैक्स ले लो, मुंह पे पानी वानी डाल लो, पानी पी लो। ठीक है, तो दो मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि इसके बाद फिर फटाफट पढ़ेंगे। तो देखो चीजें बहुत सिंपल हैं, हमको सारी चीजें पता हैं। ठीक है, चीजें हमको सारी पता है, हमको सिर्फ क्या करना है, वही देख लेना और रिवाइज करना। फटाफट हम लोग ब्रेक लेंगे दो मिनट का और फिर स्टार्ट करते हैं। कर लिया रेस्ट, स्टार्ट करें। चलो, विटामिन डी सब जानते हैं, विटामिन डी को हम लोग क्या होता है ना, विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है सनलाइट की हेल्प से और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, आप समझते हैं। तो कह रहा है विटामिन डी इज अ ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल सीकोस्टेरॉइड, क्या होते हैं ये सीकोस्टेरॉइड, टाइप ऑफ स्टेरॉइड है। तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अभी जस्ट पीछे वाले में देखा था हम लोगों ने, विटामिन डी क्या करता है, इंटेस्टाइन से जो हम खाना खाते हैं उसमें से क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बहुत सारा कैल्शियम खींच लेगा, मतलब जो हम कैल्शियम खा रहे हैं उसे वेस्ट नहीं जाने देगा, मैग्नीशियम को भी खींचता है, फॉस्फेट को भी खींचता है, मैनी अदर बायोलॉजिकल इफेक्ट, और कई सारे बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। ओके, इन ह्यूमन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन दिस ग्रुप आर विटामिन डी थ्री, ह्यूमन के अंदर डी में विटामिन डी थ्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विटामिन डी टू। ठीक है, इसके दो वैरायटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विटामिन डी इज अ प्रो हार्मोन, प्रो हार्मोन मतलब अंदर जाकर के बदल जाता है किसी दूसरे हार्मोन में, मीनिंग दैट इट हैज नो हार्मोन एक्टिविटी इटसेल्फ, खुद तो ये हार्मोन नहीं है, बट इज कन्वर्टेड टू एक्टिव हार्मोन, ये एक्टिव हार्मोन बदल जाता है 125D, है ना, थ्रू अ टाइटली रेगुलेटेड सिंथेसिस मैकेनिज्म, या सीधी सी बात है बॉडी के अंदर जाकर के ये एक हार्मोन जिसको कि हम लोग कहते हैं 125D में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि ये एक प्रो हार्मोन है। क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे पास, सॉरी प्रो हार्मोन,
ज्यादा आगे चले गए हैं। ओके, क्या है ये? प्रो हार्मोन है। फिजियोलॉजिकल रोल देखें बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है ये। तो विटामिन डी रेगुलेट द कैल्शियम फॉस्फोरस लेवल, ऑब्वियसली बात है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा इन द ब्लड बाय प्रमोटिंग देयर एब्जॉर्प्शन फॉर फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन। फूड में से सारा का सारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंड बाय प्रमोटिंग री एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द किडनी। साथ साथ में किडनी में जो ब्लड की ब्लड किडनी जाके फिल्टर हो गया है और जो कैल्शियम फिल्टर हो गया है फ्लूड के अंदर, उस फिल्टर्ड कैल्शियम को भी वापस खिंचवाने में हेल्प करता है, यानी कि ओवरऑल कैल्शियम को लॉस नहीं होने देगा हमारी बॉडी से। इट प्रमोट्स बोन फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन, बोन का फॉर्मेशन और बोन का मिनरलाइजेशन, यानी कि बोन को एक तरह से बनने में हेल्प कर रहा है एंड इज एसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्केलेटन। ऑब्वियसली बात है, हमारी सीधी सी बात है, बोन के फॉर्मेशन और बोन के स्ट्रेंथ में काम करते हैं ये। ऑल्दो एट वेरी हाई लेवल इट विल प्रमोट द रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, बोन का हाई लेवल पे बोन का ये रिजॉर्प्शन भी करते हैं, प्रमोट करते हैं। इट इनहिबिट पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम द पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड के सिक्रेशन को रोकते हैं क्योंकि क्या हो गया, ऑलरेडी कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है हमारी बॉडी में। विटामिन डी अफेक्ट द इम्यून सिस्टम बाय प्रमोटिंग इम्यूनोसप्रेशन, ये क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेस करते हैं, यानी कि विटामिन डी इम्यून को सप्रेस करते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। तो अफेक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को बाय प्रमोटिंग इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसे कुछ और फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो और फंक्शन क्या क्या है, ओके, अदर फंक्शन की बात करें, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने क्या इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रखी है, सूरज या हम लोग जो खाने का सामान होता है वहां से विटामिन डी आता है, ठीक है, लिवर में जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, ये जब हो जाता है किडनी से क्या करता है, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाता है, ठीक है, पैंक्रियास में जाके इंसुलिन सिक्रेशन करवा रहा है, प्लेसेंटा में भी क्या करता है, एक्टिव जो हार्मोन है हमारा डी वाला उसको सिक्रेट करवा रहा है, लंग्स, कोलोन, स्किन, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट में रेगुलेट सेल साइकिल, इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल के बढ़वार को रोकता है, एपोप्टोसिस बढ़ाता है एंड एंजियोजेनेसिस का इनहिबिशन करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन, ठीक है, मैक्रोफेज में जाकर के, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, तो ओवरऑल देखा जाए किडनी, पैंक्रियास, प्लेसेंटा, मैक्रोफेज, कोलोन, लंग्स वगैरह सब जगह काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है उसका एक छोटे रूप में, यानी कि जो मैंने ऊपर लिखा है वो भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी समझ सकते हो कि किडनी के थ्रू क्या कर रहा है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करवा रहा है, प्रमोट बोन फॉर्मेशन, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, न्यूरो डेवलपमेंट है ना, नर्व का डेवलपमेंट भी करवा रहा है, पैंक्रियास की हेल्प से इंसुलिन सिक्रेशन करवा रहा है, प्लेसेंटा में क्या कर रहा है, फीटल प्रोग्रामिंग एंड प्लेसेंटल डेवलपमेंट करवा रहा है, सपोर्ट प्लेसेंटल कैल्शियम ट्रांसफर फॉर फीटल बोन मिनरल एक्रूवल, यानी कि फीटल के बोन के लिए जो कैल्शियम चाहिए उसको प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रहा है। लंग्स और इसकी बात करें, कोलोन की बात करें, तो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, सेल के प्रोलाइफरेशन यानी कि एक तरह से जो सेल बढ़ता है उसको रोकता है, एपोप्टोसिस रेगुलेशन, सेल की जो प्रोग्राम डेथ होती है उसको रेगुलेट करता है, और ये इम्यूनो मॉड्यूलेशन आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इनहेंस इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी क्या होती है पता ही है, जो पैदाइशी इम्यूनिटी होती है, ठीक है, स्किन वगैरह हो गया, एसिड वगैरह हो गया, सलाइवा वगैरह हो गया, रेगुलेट ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से हम लोग चाहे तो ऐसे या फिर चाहे तो ऐसे किसी भी तरीके से हम लोग इसके फंक्शंस को फिजियोलॉजिकल रोल को हम लोग याद रख सकते हैं, चॉइस है अपने पास। पैथोलॉजिकल रोल, ठीक है, काफी सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रेन की बात करें तो डिप्रेशन लेके आ जाएगा, ये साइजोफ्रेनिया, हाई ब्लड प्रेशर कर देगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कर देगा, ठीक है, देन रेस्पिरेशन में अस्थमा, वीजिंग हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज क्रिएट करेगा, रिकेट से ऑस्टियोपोरोसिस क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, इसके पैथोलॉजिकल रोल है, इसकी जो कमी हो जाएगी विटामिन डी की। तो क्रोन्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यहां से ये तीन कॉमन बनती है, कैंसर, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे पैथोलॉजिकल यानी कि डिजीज कंडीशन हमारी बॉडी में ये क्रिएट कर सकता है, इसकी कमी। क्लियर है बातें? नाउ क्लिनिकल यूज, ऑब्वियसली बात है क्लिनिकल यूज मतलब जहां पे विटामिन डी की कमी हो गई होगी। तो प्रोफाइल एक्सिस के लिए, प्रोफाइल एक्सिस क्या होता है, किसी चीज को कोई चीज खराब होने वाली यानी कि होने की संभावना है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो 400 IU पर डे दिया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए 3000 से 4000 IU पर डे दिया जाता है। प्रोफाइल एक्सिस मतलब संभावित है तो डोज कम है, ट्रीटमेंट करेंगे तो 3000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दी जाती है न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी के केस में। मेटाबॉलिक रिकेट्स, रिकेट्स हो गया तो दिया जाएगा, सेनाइल या पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस हो गया,
यानी कि बोन की डेंसिटी कम हो गई है, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो गया है, फैंकोनी सिंड्रोम हो गया है। अब क्या कह रहा है, इन रिसेंट ईयर आजकल के सालों में देयर हैज बीन ग्रेट इंटरेस्ट इन द रोल ऑफ विटामिन डी इन नंबर ऑफ डाइवर्स ह्यूमन डिजीज इंक्लूडिंग ऑटो इम्यूनिटी। यहां तक कि ऑटो इम्यूनिटी में भी रोल प्ले कर रहा है, हमने देखा था उसे रेगुलेट करता है, क्योंकि ये एलर्जी में, इन्फेक्शन में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, क्रोनिक लंग डिजीज में, ट्रांसप्लांटेशन एंड कैंसर, बहुत सारी जगह विटामिन डी अपना रोल दिखाता है। ठीक है ना, रिसर्च चल रही है इसके ऊपर अभी, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं क्लिनिकल यूज में कहां है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है जहां जहां पर विटामिन डी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां वहां हम इसको क्या करेंगे, दे देंगे उस क्लिनिकली ठीक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास इंसुलिन। अब हम सबको पता है इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन क्या होता है, क्या काम करता है। तो इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, एक हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स। ऑब्वियसली बात है, यहां सारे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हार्मोन्स ही तो पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स के ही फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल यूज देख रहे हैं। ठीक है, कौन बनाता है, बीटा सेल बनाता है, जानते हैं हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से, पैंक्रियास से पाए जाते हैं, पैंक्रियाटिक आइलेट इनकोडेड इन ह्यूमन बाय द आईएनएस जीन। ठीक है, अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि आईएनएस जीन की वजह से कोड होते हैं और फिर ये बनते हैं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रख लेंगे पेप्टाइड हार्मोन है या एक हार्मोन है जो पैंक्रियास के बीटा सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, खत्म। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन एनाबॉलिक हार्मोन ऑफ द बॉडी, ध्यान रखेंगे दिस इज द एनाबॉलिक, यानी कि बॉडी के अंदर चीजों को बनवाता है, केमिकल या कंपाउंड से उनको क्या करता है, फॉर्म करने का काम करता है, बनवाता है। तो अगर हम यहां पे देखें इसके फिजियोलॉजिकल रोल में, तो देखो इंसुलिन है लिवर में, क्या करेगा, इंक्रीज करवाता है ग्लूकोज की एंट्री को। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट, ग्लूकोज एंट्री इंक्रीज करवा देगा, कन्वर्ट ग्लूकोज इंटू 6G6P, स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस होगी, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लूकोज टूटता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोजन के टूटने को रोकता है, इनहिबिट ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूको जो ग्लूकोन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि जो हमारे पास किसी और चीज से, जो हमारा ग्लाइकोजन है किससे बन रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जब ग्लाइकोजन हमारा किसी और चीज से बनेगा, प्रोटीन या फैट से, उस चीज को रोकता है ये। अल्टीमेटली क्या कर रहा है, इंक्रीज स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड डिक्रीज ग्लूकोज आउटपुट, क्या कहते हैं, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन को बढ़ा दे रहा है, यानी ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के अपने अंदर स्टोर कर रहा है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और उसके आउटपुट को कम कर दे रहा है। ठीक है ना, इंसुलिन दूसरा, अच्छा आउटपुट कम हो गया यानी कि बाहर कम निकलेगा, तो डिक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज, इस तरीके से ब्लड का प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ग्लूकोज एंट्री इंक्रीज करवाता है एडिपोज टिश्यू में, इंक्रीज हेक्सोकाइनेस एक्टिविटी, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज टू अल्फा जीपी, ग्लूकोज की एंट्री एडिपोज टिश्यू में करवाई, वहां पर उसको अल्फा 6GP में कन्वर्ट किया, ईस्टिफिकेशन किया, फैटी एसिड स्टोर फैटी एसिड एज ट्राइग्लिसराइड, और फाइनली ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर कर लेता है, इंक्रीज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्टोरेज को बढ़ा देता है, और इस तरीके से प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। अल्टीमेटली इंसुलिन करता क्या है, ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको निकाल निकाल के स्टोर करवाता है, स्केलेटल मसल यानी कि तीन जगह स्टोर करवाता है, इंसुलिन एक लिवर में ग्लूकोज को स्टोर करवाता है, एडिपोज टिश्यू फैट और स्केलेटल मसल्स, वहां पे जाकर के ग्लूकोज को स्टोर करवा देगा, ग्लूकोज की एंट्री इंक्रीज हो जाएगी, हेक्सोकाइनेस एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, यहां पे भी स्टोर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, इंक्रीज स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज से यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, और कहां जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली उसका हमारा का ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंसुलिन का ओवरऑल काम क्या है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करना, और वहां से निकाल करके कहां स्टोर करवाता है, लिवर एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में। समझ में आ रही बातें, कुछ और फंक्शन देख लें इसके। नाउ इंसुलिन इफेक्ट, मसल की बात करें, ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज हो रहा है, हमने देखा भी लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, जो उसका फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन हो रहा है। देन एडिपोसाइट्स में लाइपोलिसिस डिक्रीज हो जाएगी, ग्लूकोज है ना, लाइपोलिसिस जो लिपिड का टूटना कम हो जाएगा, हेपेटोसाइट या एडिपोसाइट सेल में एचडीएल इंक्रीज करेगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल डिक्रीज करेगा, वीएलडीएल डिक्रीज करेगा, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपस में नहीं जुड़ेंगे ये, है ना। रीनल ट्यूब्यूल किडनी की बात करें तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा, एंडोथेलियम तो वैसोडायलिसिस, एंडोथेलियम कहां होता है, हमारा ब्लड वेसल जो होता है उसमें अंदर की जो परत होती है उसको एंडोथेलियम कहते हैं, तो वो क्या करवाता है, उसको वैसोडायलिसिस करवाता है। तो ये कुछ और इफेक्ट है
ठीक है, इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं इंसुलिन के वो ये है। आगे आते हैं पैथोलॉजिकल। अब पैथोलॉजिकल में क्या है, ये दिखा रखा है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस अगर हो गया, हमारी बॉडी रेजिस्टेंस करेगी तो तीन जगह, लीवर, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल, रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी, कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया। ठीक है ना, कंपनसेटरी मतलब उसको कवर अप करने के लिए इंसुलिन बढ़ेगा, जब इंसुलिन बढ़ेगा तो टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, और कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज क्रिएट हो जाएंगी। और अल्टीमेटली क्या बनेगा, जब मेटाबॉलिक मतलब जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इकट्ठा होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, न्यूरोपैथी, डायबिटिक फूड, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल ब्लड लिपिड्स, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, वही तीन जहां पर कि इंसुलिन ग्लूकोज को स्टोर करवा रहा था, वही तीन में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, वहां पर स्टोर नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज क्रिएट हो जाएंगी। और कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज जो है वो इन सब का रूप लेती है आगे जाकर के। क्लियर है? तो पैथोलॉजिकल क्या क्या बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है, सारी याद नहीं करेंगे, चार चार पांच पांच याद करते हुए चलेंगे। क्लिनिकल यूज, टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है ना, जो टाइप 1 डायबिटीज होती है जब इंसुलिन की कमी होती है तो वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया तब इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी देर दिनों के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी की वजह से कोई डायबिटीज जो क्रिएट होती है वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया में इसको हम लोग एज अ मेडिसिन की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नाउ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब अगेन यहां पर क्या है, ये ड्रग्स हैं, ये हमारी बॉडी में तो बन नहीं रहे। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल को क्या करना है, डाउन करना है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग यूज्ड टू हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड। तो ऑब्वियसली बात है इनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज को ले जा करके कहां डालना है, जो ऊपर वाला फंक्शन इससे ऊपर वाले हमने देखा था डिपॉजिट करवाने का काम रहेगा, वो इसका मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो जाएगा। दे आर नॉट इंसुलिन, बट ये एक्चुअली इंसुलिन नहीं होते, बट दे स्टिमुलेट द पैंक्रियास टू प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, पैंक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं कि इंसुलिन पैदा हो, तो काम इंसुलिन करता है, ये केवल इंसुलिन को पैदावार को बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो ऊपर वाले सारे फंक्शन आ जाएंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की अगर हम बात करें, आर यूजली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, जैसे ये जो अडल्ट होते हैं उनमें जैसी डायबिटीज बढ़ती है तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। आल्सो नोन एज टाइप 2 और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है ना, जो डायबिटीज की टाइप है वो दे रखी है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फार्माकोथेरेपेटिक्स और फार्माकोलॉजी कंबाइन पढ़ना साथ साथ में। मेडिकेशन की बात करें तो सल्फोनिल यूरिया, इसमें नाम देखें ग्लिपिजाइड, ग्लिब्यूराइड, मैग्लिटिनाइड्स में बात करें तो रैपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड है। बिगुआनाइड्स की बात करें मेटफॉर्मिन, पढ़ चुके हम लोग कहीं ना कहीं ये। थाया जोलिडायोन्स की बात करें तो रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स की बात करें तो एकार्बोस और मिग्लिटॉल, ये हम लोग कहीं पर पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ये कहीं ना आज इंसुलिन वाली जो दवाइयां हैं उसमें पढ़ चुके हैं, मेरे को याद आ रहा है, जो हम लोगों ने डायबिटीज के लिए पढ़ा था हम लोगों ने, उसके अंदर ये दवाइयां पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक क्या है, हम लोग जो मुंह से लेते हैं वो मेडिसिन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल बात किसकी हो रही है, एक तरह से टैबलेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टैबलेट की बात हो रही है। क्लियर है? इंसुलिन हार्मोन तो ये एंटी हार्मोन एंटागोनिस्ट हो गया हार्मोन का, क्लियर है, हार्मोन के प्रोडक्शन को, अच्छा ओरल हाइपोग्लाइसेमिया ये बढ़ा रहा है, ये एंटागोनिस्ट नहीं है, एंटागोनिस्ट वाला था ऊपर वाला कौन सा, मतलब सेकंड नंबर का जो था थायराइड का, एंटी थायराइड वाला, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, चीजों को मैं तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि वरना बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। यहां पे सारी चीजें बेटा अगर पुराना पढ़ते हुए चले आ रहे हो और थेरोपेटिक्स वाले पार्ट को भी साथ साथ पढ़ते हुए कवर चले आ रहे हो तो ये वाला चैप्टर फिर बहुत आसान है, सारे टर्म्स पुराने ही इस्तेमाल होंगे इसके अंदर, और ज्यादा नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूं जो हमेशा बताता हूं पॉइंट के फॉर्मेट में, है ना, पॉइंट्स कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट्स में चार चार पांच पांच पॉइंट्स लिख करके खत्म कर देना और ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसमें कुछ खास था नहीं, सेवंथ वाले में बात करते हैं, एट्थ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या होते हैं, अगेन ये हार्मोन है, ठीक है, ईस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन इज अ कैटेगरी ऑफ सेक्स हार्मोन,
ठीक है, ये कैसे होते हैं? सेक्स हार्मोन होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, सिस्टम होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है ना, उम्मीद है जानते हो गए, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गया यहां पर? मेन अपना ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ठीक है ना। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया अपना। सेकेंडरी सेक्स के अंदर क्या क्या आ गया अपना यहां पर? जैसे ब्रेस्ट आ गया, ठीक है ना। तो जो फीमेल को अलग से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री मेजर एंडोजिनस ईस्ट्रोजन दैट हैव ईस्ट्रोजेनिक हार्मोनल एक्टिविटी, जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तीन टाइप के होते हैं, ईस्ट्रोन, ठीक है, ईस्ट्राडायोल और ईस्ट्रायोल। डायोल, ट्रायोल और ईस्ट्रोन, है ना, कीटोन वाला हो गया, ये दोनों अल्कोहल वाले हो गए, और ना ऑल ऑल ग्रुप लगा हुआ है, क्लियर है। फिजियोलॉजिकली बात करें, डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट एंड ब्रेस्ट। जेनिटल ट्रैक्ट मैंने बताया, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, है ना, वजाइना, उसका और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनका क्या करते हैं ये लोग यहां पे रोल प्ले करते हैं। ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज इट कॉज एंडोमेट्रियम टू ग्रो। फॉलिकुलर फेज मतलब जब ओवम बन रहा होता है तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्रेक होकर बाहर आती है एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पड़ा होगा तो सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसको ग्रो में हेल्प करता है। इसके अगर हम मेटाबॉलिक इफेक्ट की बात करें, इंक्रीज बोन मास एंड प्रिवेंट बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है ना, बोन मास को बढ़ाता है, बोन के रिजॉर्प्शन को रोकता है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंक्रीज सीरम ट्राइग्लिसराइड्स एंड डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, सीरम का ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को मेंटेन रखता है ये, ठीक है। इंक्रीज ब्लड कोगुलेशन एंड प्लेटलेट एडहेसिवनेस, ब्लड के कोगुलेशन को और प्लेटलेट्स के एडहेसिवनेस को इंक्रीज करता है। तो ये इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन आगे हमारी बॉडी में कर क्या रहा है ये, ठीक है। एक दो तीन चार, और यहां से कोई एक दो याद कर लोगे। पैथोलॉजिकल रोल, अगर इसकी क्या हो जाए प्रॉब्लम क्रिएट, इसका रेगुलेशन गड़बड़ा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, एंड्रोमेट्रियोसिस पेन हो सकती है, ठीक है, एंड्रोमेट्रियम वाला पेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज के अंदर, यूट्रिन कैंसर हो सकता है, ट्यूमर ऑन योर ओवरी एंड एड्रेनल ग्लैंड्स, वहां पर ट्यूमर हो सकता है। तो ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है हाई ईस्ट्रोजन से। लो ईस्ट्रोजन की बात करें अगर हम लोग, एब्सेंट और इरेगुलर पीरियड्स, पीरियड्स है तो एब्सेंट हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे। बोन फ्रैक्चर ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, बोन का फ्रैक्चर हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि बोन का जो डेंसिटी होता है ना, अंदर से सारा का सारा कैल्शियम निकल जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस क्रिएट हो जाती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल फीमेल दोनों में, डिक्रीज लिबिडो इन मेल्स एंड फीमेल, लिबिडो में कमी हो जाएगी, लिबिडो पता है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है बॉडी के अंदर क्या क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन डिजीज क्रिएट हो जाएंगी इनके हाई लेवल से और लो लेवल से, क्लियर है। क्लिनिकल यूज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो इसीलिए क्या है? लिखा हुआ है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन को रिप्लेस करने वाली थेरेपी, यानी बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो गई है तो उसको रिप्लेस करेगा ये। तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, जब गोनेडिज हाइपो डिक्रीज कर गया, गोनेड्स प्रॉपर गोनेड्स क्या होते हैं जो अपने, जैसे हम लोग बात करें मेल्स के अंदर टेस्टिस को गोनेड्स कह देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या, सिक्रेशन कम हो गया। प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, ओवरी फेल हो चुकी है, सर्जिकली रिमूव ऑफ ओवरीज, ओवरीज को सर्जिकली निकाला जा चुका है तो ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बात है, तो हमको लेना पड़ेगा। मीनोपॉज हो चुका है आफ्टर एज ऑफ 45, फीमेल्स में मीनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, तब उस केस में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इस टाइप की, तो लेना पड़ता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन जो यूज होता है उसमें होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में इस्तेमाल होगा, और एट्रोफिक वेजिनाइटिस, ठीक है, जो वेजाइना की इन्फेक्शन है वहां पर इसका क्या होता है, इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये क्लिनिकल कंडीशन है जहां जहां पर हम लोग इस हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है बातें, ठीक है। प्रोजिस्टिरोन, ओके, अ फीमेल स्टीरॉइड सेक्स हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजिस्टिरोन को कौन सिक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम, याद है ना, यही वो हार्मोन है जो एंड्रोमेट्रियम को मेंटेन रखता है 9 मंथ तक, कि ब्रेक ना हो और अबॉर्शन ना हो, याद आया कुछ, पढ़ा होगा क्लास 12th में, पढ़ा होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पड़ी होगी, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम, है ना, एंडोमेट्रियम लेयर को तैयार करता है, यही एंडोमेट्रियम लेयर जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो टूट करके बाहर आ जाती है, ओके। फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब जो
हमारा जायगोट होता है वो आकर यहाँ पे चिपकता है इस एंडोमेट्रियम लेयर में, इसीलिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन एंड लेटर बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बाद में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, फिर प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो, प्लेसेंटा अंदर से क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है और एंडोमेट्रियम लेयर को और स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ होती रहेगी तो एंडोमेट्रियम लेयर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है जिससे कि वो ब्रेक ना कर जाए, ठीक है, टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो और फीटस, जिससे कि फीटस का रिजेक्शन ना हो जाए, वेट बढ़ेगा तो ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल होना जरूरी है। अब उसके अलावा क्या क्या काम करेगा, ठीक है, तो आओ देख ले फटाफट इसके काम, प्रिपेयर एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी, इट ट्रिगर द लाइनिंग ऑफ थिकेंस टू एक्सेप्ट द फर्टिलाइज्ड एग, वही बात है एंडोमेट्रियम को मोटा करता है, ठीक है, जिससे कि जो फर्टिलाइज्ड एग आकर के वहां चिपक सके, प्रोहिबिट द मसल कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गए है ना एक वेव से चल गई तो एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक कर जाएगी जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल हो जाते हैं, ठीक है, इफ नो फर्टिलाइजेशन ऑकर द कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन लोअरिंग द प्रोजेस्टेरोन लेवल इन द बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा, ड्यूरिंग द 7-10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा बिगिंस टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन सपोर्टिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, अच्छा हाँ कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि उसमें जो हार्मोन रिलीज कर रहा है उसको और भी ज्यादा वो क्या कर रहा है, सपोर्ट करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ये प्रेगनेंसी 9 मंथ के बाद क्या होना है, मिल्क का डेवलपमेंट भी जरूरी है बच्चे के लिए, तो ब्रेस्ट को भी प्रिपेयर करता है कि 9 मंथ प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट से मिल्क आ सके, ठीक है, मेटाबॉलिक बात करें ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस, पढ़ना हमको वैसे यही है कोर्स में अपने, क्या है फिजियोलॉजिकल रोल्स है, है ना, फिजियोलॉजिकल रोल ये अपने कोर्स में, मेटाबॉलिक रोल में देख लेते हैं एक बारी, इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तीनों टाइप के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डाल रहा है, प्रमोटिंग ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द लिवर, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के स्टोरेज में हेल्प करता है, एंटागोनाइजेस द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, स्टिमुलेट द डिपोजिशन ऑफ बॉडी, ठीक है, इसको नहीं पढ़ोगे तो छोड़ दोगे, ठीक है, मेन हमको फिजियोलॉजिकल पार्ट समझना है जो कि ज्यादा जरूरी है। आगे आते हैं पैथोलॉजिकल रोल, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रिवेंट द यूट्रस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, हाई लेवल रहेगा तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा यानी कि स्क्वीज नहीं करेगा एंड कॉजिंग प्री टर्म लेबर, जिससे कि क्या है प्रीमेच्योर बेबी नहीं होगा ना, 9 मंथ का बेबी होना चाहिए, अगर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो 7 या 8 मंथ में जो कुछ बेबीज हो जाते हैं वो इसी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कैन कॉज इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर इसका लेवल लो है तो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स होते हैं इररेगुलर हो सकते हैं, स्पॉटिंग एंड हेडेक हो सकता है, कुड अफेक्ट योर एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट होने में ठीक है ना यानी कि प्रेगनेंसी आप चाहते हो तो उस केस में प्रेग्नेंट होने में दिक्कत करेगा अगर इसका लेवल लो है। क्लिनिकल यूज कॉन्ट्रासेप्शन में इस्तेमाल होता है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स आती हैं कंबाइंड विद एस्ट्रोजन या अकेले भी इस्तेमाल होती है। प्रिवेंशन ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, अगर अबॉर्ट होने का डर है ना, बहुत से तुम लोगों ने सुना होगा 1 महीने का बेबी था या 2 महीने का बेबी था वो क्या हुआ भारी वजन उठाया और बेबी क्या हो गया अबॉर्ट हो गया, बच्चा गिर गया, क्यों होता है प्रोजेस्टेरोन लेवल, ऐसी फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक कर जाती है, ठीक है, तो अबॉर्शन हो सकता है उनके केस में इसको दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एग्जांपल मेनोरोजिया डिसमेनोरिया या प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, उस केस में इसको दिया जाएगा। ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर के केस में दिया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है ना, तो ओवरऑल सारी कंडीशन क्या है जहां जहां पर ये काम कर रहा है वही वही सारी वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उन सब जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है बातें, ठीक है, फिर कह रहा हूं यहां पर जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया, स्पॉटिंग हो गया, अब यहां पर चीजें पढ़ रहे हो तो बहुत ही कायदे से, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें एक एक वर्ड का अच्छे से और मीनिंग चाहिए, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं तुम लगा होगा तुम लोगों की सर ने तो यार यहाँ पे हर चीज को नहीं बताया, वजह यही है बेटा कि हम लोग पहले कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुका, फिर से वापस एक एक को बताऊंगा मैं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर ये वाला, तो कोशिश ये करनी है और यहाँ पे तुम्हारा भी हो जाएगा, जहां लगता है कि अगर याला हमारा पढ़ा हुआ था भूल गए तुरंत जाओ गूगल पे सर्च करो एक लाइन की डेफिनेशन देखो खटाक से याद आता है, चाहो तो यहाँ साथ साथ में लिखते चलो हर जगह, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, क्योंकि सारे टर्म्स ऑलमोस्ट हम लोग पहले क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ऑक्सीटोसिन, क्या होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड न्यूरोपेप्टाइड नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन है और न्यूरोपेप्टाइड नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस, कहां बनता है ये
हाइपोथैलेमस बनता है रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और कहां से रिलीज होता है, जो हमारी पिट्यूटरी होती है ग्लैंड पीछे वाली, वहां से रिलीज होता है। इट प्लेज अ रोल इन सोशल बॉन्डिंग, रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, मतलब कि सोशल बॉन्डिंग, जो हम लोग एक दूसरे के टच में आते हैं, है ना, एक दूसरे को सोशल बॉन्डिंग जो अटैच करते हैं, उसमें बड़ा हमारी सोचने की प्रोसेस में काम करता है ये, रिप्रोडक्शन में काम करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, और पीरियड्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद जो पीरियड्स होते हैं उनमें ये हेल्प करता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रोल इस लाइन में कवर किया, लेकिन और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेबर, ठीक है, लेबर मतलब जो डिलीवरी के टाइम पे पेन होता है उसको हम लेबर पेन कहते हैं, उसी लेबर की बात कर रहा है। ऑक्सीटोसिन इज रिलीज ड्यूरिंग लेबर एंड द यूट्रस इज हाईली सेंसिटिव टू इट एट दिस टाइम, इस समय यूट्रस इसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, लेबर आने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, उसमें वेव्स उठेंगी जिससे कि एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक करेंगी और बेबी बाहर आएगा। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, जैसी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, एक रिफ्लेक्स चला जाता है कि हाँ डिलीवरी होगी, तो ब्रेस्ट के पास एक सिग्नल जाता है कि अब आपको मिल्क प्रोड्यूस करना है। इट इज मीडिएटेड बाय ऑक्सीटोसिन, यानी कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, अब मिल्क को निकालना है, ठीक है ना, कौन इसे मीडिएट करता है, ऑक्सीटोसिन। द मायो एपिथेलियल सेल्स इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में जो मायो एपिथेलियल मसल सेल्स होते हैं आर मोर सेंसिटिव देन मायोमेट्रियम ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कंपेयर टू मायोमेट्रियम सेल, ठीक है, ये लाइन नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, सीधी सी बात है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये याद रखेंगे यहां पर, ठीक है। थर्ड है न्यूरोट्रांसमिशन, न्यूरोट्रांसमिशन का मतलब ऑक्सीटोसिन अपीयर टू फंक्शन एज पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर, एक तरह का जो है ना न्यूरॉन्स, जैसे कि हमारा एस्टाइलकोलिन वगैरह होता है, उसी तरह ये एक पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी तरह भी वर्क करता है इन द हाइपोथैलेमस, केवल और केवल हाइपोथैलेमस में एंड ब्रेनस्टेम में टू रेगुलेट ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स, ठीक है ना, वहां पर एक तरह का क्या है सिग्नल के रूप में काम करता है, न्यूरॉन से निकलता है और दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल के लिए काम करता है, ये कहां कहां पर, हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम में, ठीक है। पैथोलॉजिकल रोल की बात कर लें, ऑक्सीटोसिन इज इंट्रिकेटली इन्वॉल्व्ड इन ब्रॉड एरे ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक फंक्शन, किससे जुड़ा हुआ है ये, न्यूरोसाइकेट्रिक फंक्शन, एंड मे बी अ कॉमन फैक्टर इंपॉर्टेंट इन मल्टीपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मल्टीपल साइकेट्रिक यानी कि ओवरऑल क्या है यहां पे, पहला कंडीशन क्या आ गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, सच एज ऑटिज्म, साइजोफ्रेनिया, मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, इन सब चीजों से ये जुड़ा हुआ है। लो ऑक्सीटोसिन लेवल हैव बीन लिंक्ड टू ऑटिज्म, अच्छा वही सेम चीज हो गया, लो लेवल हो गया था तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म का पूरा जो एक होता है करके, ऑटिज्म समझते हो ना, मतलब अपने आप में अलग हो जाना, दुनिया से कट जाना, वो तमाम चीजें होती हैं, डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स, ठीक है। क्लिनिकल यूज, इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, अगर लेबर नहीं हो रहे है ना एंड टाइम पे, जब प्रेगनेंसी हो रही होती है कई बार लेबर नहीं होते तो इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है या जोर पकड़ता है जिससे कि डिलीवरी इजी हो सके। माइल्ड प्रीक्लैम्पसिया, प्रीक्लैम्पसिया क्या होती है, एक कंडीशन है डेवलपिंग इन लेट प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज बाय सडन हाइपरटेंशन, ठीक है, प्रोटीनूरिया एंड एडिमा, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले, ठीक है। प्रीक्लैम्पसिया क्या होता है, समझ लो एक तरह की बीबी बढ़ जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। यूट्रिन इनर्शिया, यूट्रिन की एटोनी हो जाती है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, अबॉर्शन पूरी तरीके से नहीं हुआ, उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या कॉन्ट्रेक्शन आए और अबॉर्शन कंप्लीट हो जाए। पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट टर्म फीटस, मैटरनल डायबिटीज, जो डायबिटीज है उसके केस में होता है। पोस्टपार्टम यूट्रिन हेमरेज है, ठीक है, पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी होने के बाद जो उसका हेमरेज हो गया उसके केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूट्रिन का। इम्पेयर्ड मिल्क इजेक्शन, ठीक है, वन पफ इन ईच नोस्टिल, अगर मिल्क इजेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो नाक नोस्टिल के थ्रू ऑक्सीटोसिन दिया जाता है जिससे कि मिल्क का इजेक्शन हो सके और बच्चे को प्रॉपर मिल्क मिल सके, ठीक है। तो क्लिनिकल यूज ये है इसके, तो फिर से मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा नहीं, तीन तीन दो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ ऑक्सीटोसिन, पांच नंबर का होगा ये, ठीक है, डेढ़ डेढ़ और दो दो नंबर का, तो दो दो तीन तीन पॉइंट इसमें तुमको क्या करने हैं, लिखने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आगे आते हैं नाउ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अगेन स्टेरॉइड्स होते हैं ये, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिनके बैकबोन होते हैं, यानी कि हम ही लोग मान लेते हैं फिलहाल, ह्यूमंस का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वहां से निकलते हैं ये। टू मेन क्लास ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दो टाइप के ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है और एक ग्लुकोकॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें,
दे आर इन्वॉल्व इन वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोटीन कैटाबॉलिज्म ब्लड इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड बिहेवियर इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं. सम कॉमन नेचुरली ऑकरिंग स्टीरॉयड हार्मोन आर कुछ अगर हार्मोन के एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो कॉर्टिसोल है कॉर्टिकोस्टेरोन नेचुरल है ये कॉर्टिसोन है एल्डोस्टेरोन है. नोट डेट कॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरोन आर आइसोमर ये दोनों क्या है आपस में आइसोमर है. ये लाइन नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा ठीक है. द मेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स आर कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन है ना कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ये नाम ज्यादातर सुनते होगे तुम लोग. नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें सच एज कॉर्टिसोल इसका एग्जांपल है अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड हैव एंटी इंफ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसिव एंटी प्रोलिफरेटिव एंड वैसोकंस्ट्रक्टिव इफेक्ट. इनके सारे फिजियोलॉजिकल रोल भी साथ साथ में आ रहे हैं. मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करें जैसे कि एल्डोस्टेरोन प्राइमरली इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोरीन का बैलेंस है पानी का बैलेंस है उसको बाय मॉड्यूलेटिंग आयन ट्रांसपोर्ट. आयन ट्रांसपोर्ट को मॉड्यूलेट करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे. इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी अब देखो एपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी ये सारे टर्म्स पुराने वाले याद आ रहे होंगे तो अच्छी बात है वरना रटने जैसा हो जाएगा ठीक है. क्लिनिकल यूज की बात करें तो इसका कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं यहां पर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल ठीक है ना. यानी कि अगर कॉर्टिकॉइड की कमी होगी तो यही सारी चीजें क्या हो जाएंगी प्रॉब्लम पड़ जाएंगी. तो फिजियोलॉजिकल रोल आ गया पैथोलॉजिकल उसी से हम उसी में यहां पे एक साथ लिख देंगे फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल एक साथ यहां पर आ जाएगा यानी कि यही सारी चीजें क्या आ जाएंगी प्रॉब्लमेटिक आ जाएगी. तो यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है वही सारी चीजें क्या हो जाती है स्टॉप हो जाएंगी वही क्या बन जाती है पैथोलॉजिकल कंडीशन बन जाएंगी एक जनरल वे में याद कर सकते हो. क्लिनिकल यूज की बात करें तो डायग्नोस्टिक क्या क्या डायग्नोस करना है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट ठीक है ना डायग्नोस करने के लिए होता है एक हमारे पास रिप्लेसमेंट थेरेपी एडिसन डिजीज में हमें क्या करना है रिप्लेसमेंट थेरेपी हार्मोन्स इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिप्लेस करना है. लाइफ सेविंग इंडिकेशन एक्यूट एडिसोनियन क्राइसिस एनाफाइलेक्टिक शॉक एसएलई फेम्फिगस वल्गैरिकस एंड वल्गैरिस सॉरी स्टेटस एस्थमेटिक्स ठीक है बीमारियों के नाम है जस्ट याद कर लेने रूमेटिक डिजीज रीनल डिसऑर्डर एलर्जी स्किन जीआईटी हेपेटिक ऑक्यूलर और मैग्नेंसी इन सब केसेस पे हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं. कुछ बीमारी लगता है तुमको कि याद नहीं कर पाओगे टफ है उनको छोड़ दो जो इजीली याद हो जाए उनको ही याद करना है ठीक है. आज के लेक्चर में कुछ टर्म्स तुमको ऐसे लगे होंगे कि पड़े पड़े से थे सर ने तो हमें वापस बताया नहीं बेटा वापस बार बार नहीं बताना है ये काम तुम लोगों का है कि तुम लोग उसको वापस जाकर रिपीट करो या द्वारा से उसको देखो जा करके गूगल खोलो तुरंत उस वर्ड का मीनिंग देखो तुरंत याद आएगा ये तुम लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा ठीक है. प्लस अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा मिस हो गई है तो वापस बैक जाए ठीक है बैक जा करके उस पर्टिकुलर चीज को देखे कोलोजी में या फार्माकोथेरेपेटिक्स में. ये चैप्टर बहुत आसान है ठीक है मैंने इतना लेंदी किया हुआ है ना मैं लास्ट में बताऊंगा इतना लेंदी भी नहीं करना है सिंपल शॉर्टकट रखना है अपना ठीक है ना कि बस इतना इतना पढ़ लो तीन तीन चार चार पॉइंट याद रखने उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है. क्लियर है बातें. तो ये लेक्चर अपना खत्म हो जाता है थोड़ा सा लेंदी लेक्चर था ठीक है बट बेसिक था मतलब अगर पुराने टर्म्स आते हैं तो बहुत आसान है ये पुराने टर्म्स नहीं आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है ये ठीक है. तो क्या करना है वो तो सबको पता ही है लेक्चर इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरा नंबर है कोई प्रॉब्लम आती है ये अपना ऐप है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं. पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो ऑल द बेस्ट.